ਹੋਮ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ iPhone 13 Pro Max ਤੇ Samsung S21 Ultra ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਟੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਓਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਇਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਭੈਣੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਟੱਕ और आज हम एक बहुत बड़ी समस्या में फंसवा था। हमने अपने बिटवा को बोला कि हमको चाहिए फोनवा, और उसने क्या किया, हमको दो फोनवा ला के दिया और कहा कि इसमें से अब अबुआ आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा फ़ोन आपको लेना है। तो एक फ़ोन है जी आईफोन 13 प्रो मैक्स और दूसरा है जी सैमसंग S21 अल्ट्रा। अब जो है हमारी जो एक समस्या बन गई है, हमने इसको खुद ही से डिसाइड करना है कि कौन सा फ़ोन लेना है। और एक और बात हम आपको बता ही दें, हम जो भी चीज़ डिसाइड करते हैं वो अपनी भैंसोइया से ज़रूर डिस्कस करते हैं भैंसोइया, लेकिन एक माजरत हम आपसे करते हैं, आज की हमारी भैंसोई यहाँ पे आ नहीं सकी, लेकिन जो भी कोई हमारी भैंसोई से हमारी बातचीत हुई है वो हम आपसे शेयर यहाँ करेंगे। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे इसके डिज़ाइनवा के बारे में। तो अगर मैं आईफोन के डिज़ाइनवा के बारे में बात करूँ तो हमको जो है इसका जो डिज़ाइन है वो कोई पुराने आईफोन जैसा ही लागे है, कोई खासा कोई फ़र्क हमको लागे नहीं है इसमें। हाँ, जो थोड़ा बहुत फ़र्क जो हमको लग रहा है वो इसकी आँखों में है। हमको भी बड़ी आँखें पसंद हैं क्योंकि हमारी भैंसों की भी आँखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इन्होंने जो तीन आँखें हैं वो इसकी बड़ी कर दी हैं, और जो इसके बॉडी है वो थोड़ी स्क्वायर शेप में बड़ी करती है, और इसकी बैटरी भी थोड़ी बड़ी करती है ताकि ज़्यादा देर चालू रहे। और इसके जो बरअक्स हमको सैमसंग जो है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आवे है, और इसकी स्क्रीन हमें लगता है थोड़ी बड़ी है, और इसका पंच होल डिज़ाइन जो है वो बहुत ही बेहतरीन लगे है। इस पर काफ़ी बहस हुई हमारी भैंसुआ के साथ, और वो जो है उसको जो है सैमसंग ज़्यादा पसंद आवे है बल्कि हमें आईफोन। तो क्या अब इसमें हम जो है वो आगे बात करते हैं कि आगे क्या क्या जो है इसके अंदर वो आएगा, और हमें क्या पसंद आता है और हमारी भैंसुआ को क्या पसंद आता है। तो मेरी भाइयों और मेरे जो है वो बहनों, और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमारी जो है वो हमारी भैंसुइया के साथ बहस जो है वो चल रही थी इसकी स्क्रीन के साइज़ के ऊपर। तो हमने क्या, एक सेकेंड रुको, हम इसका साइज़ नाप लेते हैं। तो हमने जब इसका साइज़ नापा तो हमने जब सैमसंग का साइज़ नापा तो वो निकला 6.8, और जब हमने आईफोन का जो है वो साइज़ नापा स्क्रीन का तो वो निकला 6.7। तो हम यहाँ पे हार गए, और हमारी भैंसुआ एक कहका लगाई ज़ोर से, और वो बहुत खुश हुई कि वो इस दफ़ा जो है वो स्क्रीन साइज़ के ऊपर जीत गई है। तो हम जो है वो हार गए, लेकिन हमने जो बात उनसे की हुई थी, क्योंकि सैमसंग का जो रिफ्रेशिंग रेट था, क्योंकि हमको आपको पता है कि डिफरेंट जो है वो ऐपों को यूज़ करना पड़ता है, कभी एक ऐप हमने जो है वो दूध भी तो निकालना है भाग के, कभी खेती बाड़ी हमको करनी पड़ती है, तो हम जो है वो कई कई ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो सैमसंग था वो बड़ी स्पीडों से जो है ऐप का इस्तेमाल जो है होता था, क्योंकि इसका रिफ्रेशिंग रेट जो है 120 हर्ट्ज़ था। अब आईफोन जो हमारा पिछला था उसका जो रिफ्रेशिंग रेट था वो ज़्यादा तेज़ नहीं था, अब जो है इसका रिफ्रेशिंग रेट हो गया 120 हर्ट्ज़, तो मुकाबला हुआ बराबर का। लेकिन आईफोन वाले ये बात कर रहे हैं कि हमारा फ़ोन दुनिया में सबसे तेज़ है। इस पर भी हमारी भैंसुइया के साथ काफ़ी बहस हुई, और हम जो है इस नतीजे पर पहुँचे कि आईफोन वाले सही बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो चिप है A15 की जो इन्होंने चिप लगाई है वो दुनिया में सबसे तेज़ है, वो तो हमारी भैंसोइया से भी तेज़ भागे है। और इस बात जो हमने भैंसोइया को बहस की, और भैंसोइया हमारी बात को बहुत मानी, क्योंकि हमने जब उनके सामने ऐप को चला के दिखाया इस स्पीडों के साथ, तो फिर हमारी भैंसोइया जब मुँह उधर किया लेकिन वो समझ गई कि इससे तेज़ कोई ना ही है। हमारी भैंसुइया ने जब हमसे नाराज़गी का इजहार किया तो हमने फिर भैंसुइया के साथ बैठकर एक सोचा कि हम जो है वो नेटफ्लिक्स एंड चिल्स करते हैं। हमने अपने भैंसुइया के साथ कहा एक सीज़न जो है हमका बहुत पसंद है, उसका नाम है कोई चोरी कारी वाला कोई सीज़न है, कोई मनी हाइस्ट करके। तो रात को हमने अपनी भैंसुइया के साथ जो है वो सीज़न वो लगाया, तो हुआ क्या, हमने जो पहले लगाया वो सीज़न आईफोन पर,
तो हमारी भैंसोया कहती कि ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं। जब हमने उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा की तो मैक्सिमम जो इसकी पीक ब्राइटनेस थी वो थी 1200। फिर हमारी भैंसोया ने कहा कि हमारे सैमसंग पे ज़रा आप ब्राइटनेस करके देखें, तो ब्राइटनेस का पता लगा के वो थी 1500। हमने थोड़ा सा खटका के, यार हमारी भैंसोया जो है यहाँ पर वो जीत रही थी, क्योंकि ब्राइटनेस जो है वो इस सैमसंग S21 की ज़्यादा निकले, तो यहाँ पे जो है हमारा सैमसंग जो है जीत गया और आईफोन को हमको हार मानना पड़ी। तो हम बड़े मायूस हुए कि जो है जी हमारा फ़ोन जो है वो आईफोन इसमें ब्राइटनेस के मामले में हार चुका है। फिर हम जो है नेटफ्लिक्स एंड चिल्स कर रहे थे, उसके बाद हमें खाने पीने का भी बहुत ही शौक। हमारी भैंसोया से हमने दूध निकाला और अच्छा खासा जो है वो हमने दूध पिया। हमारी भैंसोया का वज़न तो है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो उनको वज़न में हल्की पसंद है। हमने बहुत कहा अपनी भैंसोया के ज़रा जिम शिम करें, डाइटिंग करें, लेकिन वो हमारी बात जो है वो सुनती नहीं है। फिर हमारे माइंड में आया, हमारे दिमाग जो है वो ऐसी फिरकी घूमे, हमने कहा हमारा फ़ोन जो है वो वज़न में देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है वो हल्का है कौन सा भारी है। हम फौरन भागे, हम ज़रा वो तराजू लेकर आए और हमने जो है जब दोनों फ़ोनों का वज़न किया तो हमने क्या पाया कि जो आईफोन था उसका वज़न था 240 ग्राम और सैमसंग का जो वज़न था वो 227 ग्राम निकला। हम फिर थोड़ा मायूस हुए और भैंसिया ने ऐसा कहका लगाया कि हम जो है वो हमारी हालत रोने वाली हो गई वहाँ पे। और फिर हमको जो है वो बड़ा ही अफसोस हुआ कि यार हम ना ही वज़न करते, क्योंकि ये लाइट निकला वेट में और हमारी भैंसोया को जो लाइट फोन ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे भी जो है वो सैमसंग हमसे जीत गया, लेकिन फिर भी हमने आईफोन का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें आईफोन से बड़ा दीदी लगाव है। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, तो हमारी आपने भी मदद करनी है कि वज़न ज़्यादा हो कम हो फिर भी क्या वो फ़ोन जो है वो हमको ले लेना चाहिए जिसका वज़न ज़्यादा है। तो इसके बाद भाइयों और बहनों हुआ क्या कि हमारी फिरकी घूमे, हमने कहा कि ऐसी कौन सी नई चीज़ है जो आईफोन के अंदर जो है वो आवत है। हमने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमको मालूम हुआ कि हमारी भैंसोया को वीडियो बनाने का बहुत ही शौक है। हमने अपनी भैंसोया को बताया कि सुनो इसके अंदर एक सिनेमैटिक जो है वो मोड आया है। उसमें क्या होता है कि सिनेमा की तरह जो आप जो है वीडियो बनाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म चालू है। तो हमारी भैंसोया ने कहा अच्छा आप एक काम करो हमको वीडियो बना के दिखाओ। जब हमने सैमसंग से वीडियो बनाया तो उसके अंदर जो है 8K वीडियो मोड था, लेकिन जब आईफोन की बारी आई तो सोचें क्या हुआ, आईफोन के अंदर एक प्रोफेशनल रेज का एक ऐसा मोड था कि जब हमने वो बनाई वीडियो तो रॉ वीडियो के अंदर हमको ऐसी ऐसी एडिटिंग करने का मौका मिला, कलर ग्रेडिंग करने का मौका मिला कि जो है हमारी भैंसोया इतना खुश हुई, क्योंकि हमारी भैंसोया को फिल्मों का बहुत शौक है। जब हमने उनको वो वीडियो दिखाई तो उनको लगा कि कोई फिल्म चल रही है। तो हम जो है यहाँ पे कहेंगे कि वीडियो के मुकाबले में आईफोन जीता, लेकिन जो मेगापिक्सल की बात की जाए कैमरे की, तो कैमरे की मेगापिक्सल की बात आई तो हमने जब गौर किया कि सैमसंग का जो मेगापिक्सल था वो था 108 मेगापिक्सल और जो आईफोन का मेगापिक्सल था कैमरे का वो था 12 मेगापिक्सल। जब हमारी भैंसोया ने बोला कि हमको जो है वो हमारी तस्वीर जब दूर से खींच के दिखाओ जरा आईफोन से, तो हमने कहा जाइए। तो हमारी भैंसोया जब टक टक करके गई वहाँ पर और हमने जब दूर से इनको तस्वीर खींची और जब क्रॉप हमने बीच में से किया तो वो ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं आया, तो हमारी भैंसोया ने कहा सैमसंग से खींच कर दिखाएं। जब हमने सैमसंग से खींच कर दिखाया तो जब बीच में से क्रॉप हुआ किया उसको तो बड़ी अच्छी क्वालिटी आई। तो फिर हम तो इस बात को समझ गए थे कैमरे के मुकाबले में तो सैमसंग ऊपर है, क्योंकि ऑप्टिकल जूम जो है वो अभी तक जो है वो हमें आईफोन ने दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है आईफोन ने नया जो है वो फीचर जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है वो है, कौन सा मोड है यार बताना, कौन सा मोड है भाई, मैं देखता हूँ एक सेकेंड, मैक्रो मोड। तो फिर जो है आईफोन ने जो है एक नया मोड जो मैक्रो मोड इंट्रोड्यूस करवाया वो फिर जो है वो हमारी भैंसोया को बहुत ही पसंद आया। अब बारी जब आती है सेल्फी की तो हमारी भैंसोया को सेल्फी का बहुत ही शौक है। तो हमने जब सेल्फी लेकर के देखी अपनी भैंसोया के साथ, ऐसे करके जब हमने उनके साथ सेल्फी ली दोनों फोनों पर, तो हुआ क्या, आए हुआ यूं कि भैंसोया को हमारी जो सेल्फी है वो सैमसंग की ज़्यादा पसंद आ गई, क्योंकि सैमसंग की जो सेल्फी में वो बहुत खूबसूरत लगी थी।
उन्होंने जैसी लिपस्टिक लगाई तो उन्होंने स्माइल की है वो हमें बहुत पसंद आई है। तो सेल्फी के मामले में हमारी जो है वो सैमसंग जो हमारा जो है वो जीत गया और हमारा आईफोन जो है वो हार गया। तो हमें वहाँ बहुत दुख हुआ। फिर हमने जो है भैंसुआ से एक बात कही, हमारी भैंसुआ को डांस का भी बहुत शौक है तो हमने कहा क्यों ना स्पीकर की बात की जाए, स्पीकर वर्जे स्पीकर। तो होता आपने वो मुहावरा तो आप लोगों ने सुना होगा कि भैंस के सामने बीन बजाना। तो जब हमने अपनी भैंसुआ के सामने आईफोन से गाना जब प्ले किया, गाने का नाम था वो बिजली, तो आय हाय अब मैं आपको बताता हूँ, ये फोन जिस फोन की जो आवाज है वो फोन है सैमसंग। और जब हमने अपनी भैंसुआ के सामने यही गाना प्ले किया तो लोग कहते हैं कि भैंस के सामने जब बीन बजाओ तो भैंस जो है वो कुछ नहीं कहती। जब हमने आईफोन से ये गाना प्ले किया तो भैंसुआ हमारी चुप रही। जब हमने सैमसंग से ये गाना प्ले किया तो हमारी भैंसुआ वो नाची जो गाँव में कि हम आपको क्या ही बताएं। तो हमने जो डिसाइड ये किया कि हमारा जो है सैमसंग जो है स्पीकर के मामले में इनसे ऊपर है। अब जब बात आई हमारी भैंसुआ के साथ कि हम कई दफ़ा जो है वो बाहर घूमने फिरने जाते हैं अपने, दो दो दिन पूरा पूरा दिन जो है हम लगे रहते हैं वहाँ पे, तो बैटरी जो है वो कौन से जो है फ़ोन की ज़्यादा अच्छी लागत है। हमने जब देखा कि जो है वो आईफोन की जो बैटरी थी इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी जो है बड़ी की है, पर फिर भी जो है वो 43 52 पता, हमारा भी यही ख्याल है कि 43 52 थी। यहाँ पे कोई इतना कोई बुद्धि जो है वो रखता नहीं है इसलिए आप इनको इग्नोर मारें। हमें पता है कि 43 52 mAh जो कि थोड़ी सैमसंग से कम थी, तो हमारी भैंसुइया को समझ में आया कि बैटरी के मुकाबले में भी सैमसंग जो है वो ऊपर निकला। ठीक है, अब बारी जब आई रैम की, जब रैम हमने देखी तो आईफोन की रैम थी 6GB DDR करके, और जो है सैमसंग की जो रैम थी वो 12 GB चलती है, 16 GB चलती है, मगर जो DDR2 वाली इनकी जो है वो आईफोन वालों की ये बड़ी अच्छी है, ये उसके मुकाबल ही रहती है। तो इसमें कोई खासा ये हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी रैम अच्छी है कौन सी नहीं है। अब आखिरी जो हम बात जो है वो आपसे करेंगे वो हम जो है बात करेंगे चार्जिंग पे। चार्जिंग जो है वो अब हम जो है यहाँ पे हमने दोनों फ़ोनों को चार्ज करके जब देखा, एक फ़ोन को हमारी भैंसुइया ने चार्ज किया, एक को हमने खुद चार्ज किया। अब आईफोन को हमने चार्ज किया तो 25 वोल्ट के ऊपर आईफोन जो है 30 मिनट में 50% कार्य है चार्ज। उसके मुकाबले में जब सैमसंग को हमने चार्ज किया तो वो 25 वोल्ट 50 वोल्ट पे भी काफ़ी स्पीड चार्जिंग में भी जो है वो जल्दी चार्ज करता है। तो चार्जिंग के मुकाबले में हम आपको कहेंगे कि सैमसंग ज़्यादा ऊपर है। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी भैंसुआ के साथ काफ़ी जब लड़ाई और बहस जब होने के बाद हम कुछ ज़्यादा नतीजे पर पहुँच ना ही पाए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों पर जो है हमारी भैंसुआ हमको कहती है कि जी आप ये ले लें और हम कहते हैं आप ये ले लें। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मुझको बताएं कि मैं आईफोन 13 प्रो लूँ या हम जो है वो सैमसंग S21 अल्ट्रा लें। और आप लोग भी मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों में से एक तो लाजमी लें। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शुरू में हमने आपको एक बात कही थी कि हमारे जो चैनल है मोबाइल वाले इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और घंटी का आइकन जो है वो दबाना ना ही भूलना, क्योंकि जो अगली आने वाली वीडियो है उसमें जो हमारी भैंसुआ ने आके जो उधम मचाना है वो आपको बहुत ही पसंद आना है। तो आप जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और मेरे साथ इस चैनल पर चलते रहें, क्योंकि मेरा नाम है चौधरी टेक। तो भाइयों और बहनों, हमारी जो है वो भैंसुइया हमको बुला रही है और हमको यहाँ से निकलना है, क्योंकि हम जाके हमारी भैंसुइया को दूध निकालना है और ये दोनों फोनों के बारे में दोबारा से अपनी भैंसुइया को बताना है। तो मैं चलता हूँ चौधरी टेक को दोबारा मिलने के लिए। इसको दोबारा से एक दफ़ा सब्सक्राइब करें और इतनी दफ़ा सब्सक्राइब करें कि आपका सब्सक्राइब का बटन जो है वहाँ से ख़त्म हो जावे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दोबारा चौधरी टेक के साथ मोबाइल वाले। ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।